नमस्कार, मैं हूं कविता। विदेश की धरती से राहुल गांधी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी बुरी तरह से तिलमिला गई है और भारत की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से राहुल गांधी जिस तरह से पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, उससे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। राहुल ने सबसे बड़ा हमला आरएसएस पर बोला जब उन्होंने लंदन में छात्रों से बात करते हुए संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संस्था से करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। बीजेपी जहां इस बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। आरएसएस की सोच अरब देशों के मुस्लिम संगठन ब्रदरहुड जैसी है। आरएसएस भारत की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है। अन्य पार्टियों ने भारत की संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए कभी हमला नहीं किया, लेकिन आरएसएस कर रहा है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड एक सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी। इस संगठन को मिस्र समेत अरब के कई देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए विद्रोह का जिम्मेदार माना जाता है और शायद यही वजह है कि ये संगठन कई देशों में प्रतिबंधित है। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना इससे क्यों की? देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसा यूं ही नहीं किया। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। जानकारों की माने तो राहुल गांधी ने ये तुलना कर कट्टर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच में एक लाइन खींचने की कोशिश की है। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व देखने को भी मिला। गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में इसका फायदा भी हुआ और यही नहीं, संसद में पीएम मोदी को गले लगाकर भी राहुल ने कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश भी की। कांग्रेस अब इसी रणनीति के सहारे बीजेपी के हिंदुत्व को कट्टर बताकर हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आरएसएस भारत के संस्थानों पर कब्जा कर देश के स्वरूप को बदलना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी जब आरएसएस पर हमला बोलते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि संघ मानव सेवा में लगा सबसे बड़ा संगठन है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।